पहाड़ों की रानी शिमला तक रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, एक बार फिर से कालका शिमला ट्रेन को शुरू किया गया है। कई दिनों से बंद पड़े कालका से शिमला के लिए जाने वाली 4 ट्रेनों को रेलवे ने दोबारा से शुरू कर दिया है। वहीं अंबाला मंडल के वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि हमारे कर्मचारियों और इंजीनियर ने कड़ी मेहनत के बाद रोड कर रिस्टोर कर दिया है। इसके साथ ही शिमला के पास जो हेरिटेज अर्क ब्रिज था उसको भी रिस्टोर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कालका शिमला रूट प्रभावित होने से जो टूरिस्ट आ रहे थे उनको भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि कालका शिमला सेक्शन हेरिटेज है और बहुत सारे देशों के यात्री इसका आनंद उठाने के लिए यहाँ आते थे। जी, कालका शिमला सेक्शन जो कि फ्लैश फ्लड्स के कारण मानसून में 10 जुलाई के आसपास जो बंद हो गया था, उसे बड़े वॉर फुटिंग पे हमारे इंजीनियर्स, हमारे रेलवे कर्मचारियों ने मेहनत से उसे रिस्टोर किया है। लगभग 352 लोकेशंस थी जो इफेक्ट हुई थी, और सभी को रिस्टोर कर दिया गया है, इंक्लूडिंग जो एक हमारा हेरिटेज आर्क ब्रिज था शिमला के पास, उसे भी रिस्टोर किया गया है बहुत ही कम समय में। और 2 अक्टूबर से ट्रेन यातायात भी उस पर बहाल कर दी गई। इनिशियली उसमें 3 ट्रेनें चलाई गई, फिर उसे बढ़ाकर हमने 4 ट्रेनें की हैं, और अब 5वीं ट्रेन आज या कल से मान के चलें आप हिमालय क्वीन जो है, जो कि कालका शताब्दी को से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती थी हिमाचल के लिए, शिमला के लिए, उसे भी रिस्टोर कर दिया जाएगा। बता दें कि कालका शिमला रूट मानसून में 10 जुलाई के आसपास लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया था। लगभग 352 लोकेशन ऐसी थी जो इफेक्टेड थी, लेकिन रेलवे के कर्मचारियों की युद्ध स्तर पर कड़ी मेहनत के कारण इसे रिस्टोर कर दिया गया है। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।